हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू जिन्होंने जेई मेंस को क्वालिफाई करके एडवांस के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, यानी आपने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया है। ऑब्वियसली इस बार परसेंटाइल में आपको दिया हुआ रिजल्ट, पर आप अगर ओवरऑल देखें तो वही सिनेरियो है जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इस बार पेपर्स कुछ शिफ्ट के ईजी थे, कुछ शिफ्ट के टफ थे, इसलिए वेरिएशन हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाहूँगा और उन सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके मैथ्स में 100 के ऊपर स्कोर थे, तो बहुत ही खुशी की बात है। अब समय आ गया है कि आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करें और कर भी रहे होंगे क्योंकि आपने स्कोर पहले ही चेक कर लिया था, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पर क्या क्या चीज़ें और हम वर्क करें वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा उन सभी बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो बाई चांस जेई मेन्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार वैसे देखें हम तो करीब करीब 2.5 लाख लोगों के आसपास जेई मेन्स से एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, एक अच्छा बड़ा फिगर है। और ये सभी बच्चे अगर अब अपनी पूरे इनपुट दें तो पॉसिबल है कि आप एडवांस के लिए अच्छे कर पाएं, क्योंकि एडवांस में अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 12,000 के आसपास सीट हैं जेई आईआईटी में। तो इसका मतलब है लगभग हर 20 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, यानी 19 रिजेक्ट होंगे। देखिए, जब भी हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो एक चीज़ मेंटली प्रिपेयर करनी चाहिए, जैसे हम जब कोई मैच खेलते हैं तो या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, राइट। वर्ल्ड कप खेलने जब कई सारी टीम जाती है तो कोई एक टीम ही जीतती है, बाकी सभी टीमों को, हर टीम को पता होता है कि कोई एक टीम जीतेगी, पर कौन सी जीतेगी, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट अभी कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी लिखे हैं कि इस बार जेई मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो हम लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप लेना कहीं से भी कभी भी रॉन्ग नहीं होता। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि आपका ड्रॉप लेना, आप ड्रॉप ले क्यों रहे हैं पहले समझें, इसलिए कि आप एक अच्छे कॉलेज से बीटेक या बीई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ड्रॉप बेस्ट ईयर नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट ईयर है, और इन्वेस्टमेंट कभी भी बुरा नहीं होता। अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है, तो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान को प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अभी आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिट सेट का फॉर्म भरा होगा, अभी मैं बोलूँगा बिट सेट पर अच्छे से फोकस करिए, एक अच्छा एग्जाम है। अगर आपको बिट सेट के थ्रू कॉलेज मिलते हैं तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। स्टेट लेवल के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक अच्छे ऑप्शन होते हैं। और दूसरा एक और बात होती है कि आपका पीजी में क्या प्लान है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या किस ढंग से सोच रहे हैं। तो अभी मैं आप सबको बोलूँगा कि आप जो अभी रिस्पेक्टिव एग्जाम बचे हुए हैं वो दे रहे हैं उनको दीजिए, उसके बाद मैं एक सेपरेट सेशन भी लूँगा कि और आगे क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं। बाकी आज का ये सेशन मेरा स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जेई मेंस को क्वालिफाई किया है, यानी अपनी अपनी कैटेगरी में कट ऑफ को क्लियर किया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जनरल का कट ऑफ 89.75 गया है, अब अगर आपके 90 परसेंटाइल के आसपास है इसका मतलब आप ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे, राइट। अब आपको एडवांस के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि 100 परसेंटाइल वाले बच्चे भी हैं, 95 वाले भी हैं, तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग है। पर आप अगर कट ऑफ के बहुत ही नियर हैं तो आपका परफॉर्मेंस या इनपुट काफ़ी बढ़ाने होंगे। जो लोग ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं जिनके 95, 96, 98 परसेंटाइल हैं, 99 परसेंटाइल हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब समय है कि आप जेई एडवांस के लिए अच्छा परफॉर्म करें। और उन सभी स्टूडेंट को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, देखिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव सेशन है, क्योंकि अभी कई लोग बहुत निराश हो रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है कि इतना अच्छा परसेंटाइल के बाद भी इतने ऊपर रैंक क्यों हैं, क्योंकि 90 परसेंटाइल के बाद भी इतनी आगे की रैंक क्यों हैं। तो देखिए, ये नंबर्स और परसेंटाइल है, अब जो भी है उसको एक्सेप्ट करके अगर आपने अच्छे से जेई एडवांस के लिए परफॉर्मेंस देने की कोशिश की तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जेई एडवांस के लिए क्या करना है, तो अभी मैं जो आपके साथ लाइव सेशन ले रहा हूँ, क्विक रिविजन क्लासेज ली थी, इन लाइव सेशंस में मैं एक चीज़ और ऐड कर दी है कि अब मैं आपके जो लाइव सेशन लूँगा उनके टेस्ट पेपर्स भी आपको पहले से दूंगा। इनफैक्ट उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया, वो भले ही कई क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो सिंगल करेक्ट आंसर्स या मल्टीपल हो सकते थे, पर मैंने उसे चेंज कर दिया थोड़ा सा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया, होते सब क्लास आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होंगी। पैसेज बेस्ड भी मैं आपके कुछ सेशंस लूँगा, इंटीजर बेस्ड भी लूँगा, पर पहले ये एक क्विक रिविजन करवा के, एक सारा सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को करवा के उस पैटर्न को भी हम फॉलो करेंगे। तो अभी देखिए समय है आपके पास, अगर आप अच्छे से अगले कुछ दिनों में बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से परफॉर्मेंस देंगे तो पॉसिबल है कि आप उन बच्चों में सिलेक्ट हो सकें जो आईआईटी एडवांस को ना केवल आपने रिटर्न बल्कि फाइनली भी आप आईआईटी में जा सकें, क्योंकि अब आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईआईटी एडवांस पे कितना अच्छा परफॉर्म करोगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमेशा हेल्प करते हैं,
क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें एक पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होता है, हम उस पैटर्न से उस तरीके से सोचना चालू करते हैं और फिर उसी ढंग से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंस में जो आपने मिस्टेक की थी उन्हें दूर करते हुए आपको एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है। जो अभी मैं आपके साथ लाइव सेशन शेयर कर रहा हूँ उनको जरूर देखिए, उनके साथ में आपको पेपर भी मैंने इसलिए देने चालू किए पहले, क्योंकि स्टार्टिंग के दो सेशन में मैंने आपके साथ पेपर के क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किए थे, पर मैंने सोचा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो रहा है तो इस इन्वॉल्वमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो इस इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने पेपर्स के आपको लिंक शेयर कर दिए। जैसे आज की दिन हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हाईएस्ट कन्फ्यूजन होता है, पेपर ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर करा हुआ है। इस वीडियो सेशन के साथ भी मैं इसका लिंक शेयर करूंगा, आप वो सेशन जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद मैं एलजेब्रा का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वेक्टर का, कैलकुलस का, इनके टेस्ट पेपर्स लूंगा। पहले ये वाला एक पार्ट होगा, फिर हम इंटीजर टाइप और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी आएंगे। अभी हमारे पास जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और जो काम मैं मैथ्स में कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करिए। एनसीईआरटी बुक को बेस बुक रखिएगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि चाहे आप एडवांस दें, चाहे मेंस दें या कोई भी एग्जाम, उसका जो सिलेबस है अगर वो अच्छे से कवर है तो हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, अगर वही कवर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, आखिरी समय में जो पढ़ा हुआ उसको कलेक्ट करने का समय होता है, ना कि उसको फैलाने का। तो कोई भी नए टॉपिक पढ़ने की जगह जो पढ़े हैं उन्हीं को क्विक रिविजन करें, समेटें, मतलब पेपर के दो दिन पहले तक आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा टेस्ट पेपर्स ना दें, बल्कि केवल वो टेस्ट पेपर्स दें जो आपके काम के और पुराने पेपर सॉल्व करें, क्योंकि कई बार टेस्ट पेपर में परफॉर्मेंस डाउन होने से हमारे अंदर डिप्रेशन आता है। ऐसे में मैं यही बोलूंगा, इवन आप जेई एडवांस दे रहे हैं या बिट सेट, अभी समय है कि आप कलेक्टिव पढ़ाई करें, एक स्टोर करें, जो जो टॉपिक अच्छे से कवर करें उनको अच्छे से रिकॉल करें, रिवाइज करें, और एक पॉजिटिव माइंड से जेई एडवांस का टेस्ट दें। भले ही आपका मेंस में स्कोर कट ऑफ के आसपास भी हो तो भी ये ना सोचे कि इतना कम स्कोर है मैं एडवांस कैसे क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 99% है, 98 है, उनसे मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा। अगर ये सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अगर ये सोचेंगे कि मैं अब अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि आप उनसे भी बेहतर कर सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अभी सेशंस कंटिन्यूसली रहेंगे, आप इन सेशन को जरूर देखिए, यूजफुल और इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। और उन सभी बच्चों को बाई चांस अगर किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो परेशान ना हो के बिट सेट और जो जो एग्जाम्स के फॉर्म भरें पहले वो दीजिए, फिर मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो भी वो इन सब रिजल्ट के बाद, बिट सेट वगैरह इन सब के रिजल्ट के बाद, उस पर मैं एक प्रॉपर सेशन लूंगा, ड्रॉप के बेनिफिट बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं, अगर ड्रॉप लेते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे डिस्कशन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।